टीम है सारी इकट्ठी हुई एशियन क्लब इंटरनेशनल की और वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से। आज हम 12 गाने रिलीज करने जा रहे हैं। हमारे सीनियर पैट्रन बहुत आदरणीय श्री अशोक धीर जी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और तीन सिंगर्स के पहले हम अभी गाने एक ही शॉट में रिलीज करने जा रहे हैं, बाकियों के आज दिन में होते रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहुंचे बहुत ही इंटरनेशनल गायक जाने माने बिट्टू जमाल जी, इनकी बेटी महक जमाल। इनका आज ये गाना रिलीज हो रहा है, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, वॉइस ऑफ एशियंस चैनल पे। तो एक बार सबसे पहले हम महक को फूलों के हार पहनाएंगे, फिर गाना रिलीज करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इनको कैसा लगा, लोगों को अपील करेंगे। हाँ जी बिट्टू जी, पहले आप शुरू कीजिए। तीर साहब जय, गॉड ब्लेस यू। मित्तर साहब बहुत अच्छे साइक्लिस्ट भी हैं, पूनम मित्तर जी ये सिंगर भी हैं, जसप्रीत मोहन जी ये हमारे पास एज गेस्ट पहुंचे हैं, बहुत अच्छे ये आर्टिस्ट हैं, वंदना हमारे ऑफिस से हमारी टीम कोऑर्डिनेटर, और आदर्श ये हमारे एडिटर हैं। और आप ये बटन दबाकर आप गाने को रिलीज कीजिए। गाना रिलीज हुआ महक जमाल का, महक क्या कहेंगी आप अपने व्यूअर्स को? नमस्कार जी सबको, आज एशियन क्लब इंटरनेशनल की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ था, रफी नाइट हुई थी, उसका आज सॉन्ग रिलीज डे है। सबके लिए बड़ी खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं श्री सुखमिंदर जी और उनकी सारी टीम। और इनफैक्ट आज लकीली आई हैव ऑल्सो बिकम द मेम्बर ऑफ दिस टीम, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। है हमारे सीनियर पैट्रन अशोक धीर जी की, जिनका गाना था तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पहले इनको हम फूलों के हार पहनाएंगे सभी मिलकर, तो उसके बाद ये बटन दबाएंगे। धीर साहब जोरदार तालियां। हाँ जी प्लीज सभी आप लोग। तालियां बजाते रहिए ताकि हमारे बड़े भाई हमेशा छाए रहे और इनकी वजह से ही हम छाए होते हैं। प्लीज आइए। तंदुरुस्ती हो। आओ जी प्लीज तालियां बजती रहे, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए इवेंट होता है। तो प्लीज अब धीर साहब बटन दबाकर अपने गाने को रिलीज करेंगे। जोरदार तालियां। अब धीर साहब से गुजारिश है दो लफ्ज हमारे दर्शकों को कहें अपील के रूप में। YouTube चैनल वॉइस ऑफ एशियन और एशियन क्लब इंटरनेशनल के MD सुखमिंदर सिंह जी की तरफ से, जो दो दिन पहले झांझर TV चैनल के ऊपर मोहम्मद रफी नाइट का आयोजन किया गया था, तो मैंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। तो आज वॉइस ऑफ एशियन YouTube चैनल की तरफ से ये गाना YouTube पे अपलोड हो गया है, तो मैं इनका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। YouTube चैनल पे एक्सक्लूसिवली मेरा गाना आज पहली बार अपलोड हुआ है। क्या बात है। और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जो आने वाले और भी प्रोग्राम हैं तो इनको इनके वॉइस ऑफ चैनल की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आयोजित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब बारी है विजय मित्तर जी की, जो हमारे एशियन क्लब के मेंबर भी हैं और सबसे बड़ी बात की इंटरनेशनल साइक्लिस्ट हैं और पूरी दुनिया घूम चुके हैं। तो सबसे पहले
पूनम मित्तर जी इनको हार पहनाएंगी, फिर हम सभी लोग, और फिर ये गाना रिलीज करेंगे। जोरदार तालियां। हाँ जी, प्लीज। थैंक यू। हेलो जी, वेलकम सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तालियां बजती रहे, क्योंकि बहुत बड़ा मौका होता है एक आर्टिस्ट के लिए। थैंक यू। आइए जी, प्लीज। आइए जी, तालियां बजाते रहे। थैंक यू। और विजय जी अब एक बटन दबाकर रिलीज करेंगे गाने को। इसी नंबर। हाँ जी, इनका गाना चला दें हम। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और विजय मित्तर जी अब दर्शकों के लिए कुछ कहिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एशियन क्लब की तरफ से जो रेस किया गया था श्री कुंदे जी की तरफ से कुछ दिन पहले रफी राइड में, तो उसमें मैंने और कुछ मेरे सारे साथियों ने वो रफी साहब की याद में गाने गाए थे। तो एक गाना जो सुंदर जी ने मेरे लिए फाइनल किया अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, तो उसके लिए मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ सुंदर जी, जो आपने मौका दिया हमें। थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे हम ऐसे ही रोल करते रहेंगे और आपको हम पूरा कॉपरेट करेंगे, और आप हमें मौका देते रहेंगे तो हम अपना बस दे सकेंगे वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक फोटो कर दो। तो अब बारी आती है गाना रिलीज होने की ममता मेहरा जी, जो बहुत ही रिनाउंड सिंगर भी हैं और हमारे आर्ट डायरेक्टर भी हैं एशियन क्लब इंटरनेशनल की, और इन्होंने गीत गाया था आदमी मुसाफिर है। सबसे पहले फूलों के साथ इनका स्वागत करें प्लीज, सभी तालियां बजाएं। तो अब ममता जी बटन दबाकर गाने को रिलीज करेंगे प्लीज। इसके ऊपर एकदम मैचिंग आ रहा है ना सारा गाना। जोरदार तालियां लेकर लो जी, अब आपने अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना कि मैक्सिमम इस गाने को देखो, शेयर करो, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारी टीम के साथ जुड़े। अब ममता जी दर्शकों के लिए कुछ कहेंगी। सबसे पहले तो मैं सुखविंदर जी और एशियन क्लब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये छोटे छोटे मौके जो हम लोगों को देते रहते हैं और दुनिया के सामने हम लोगों को लेके आते हैं, तो इनके लिए जो इनकी एफर्ट्स हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। और पिछले टाइम इन्होंने एक शो किया था रफ़ी नाइट का, उन सब नाइट में हम सब ने परफॉर्म किया था रफ़ी के गानों के ऊपर, और आज वो वक्त आया है कि इन्होंने उन सब गानों को, कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको इन्होंने वहाँ से सिलेक्ट किया है 10 पार्टिसिपेंट्स को, और उनको आज इन्होंने रिलीज़ किया है उनके गानों को, उन आर्टिस्ट जो है उनको बुला के, और मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ है इसमें जो कि आदमी मुसाफिर है। तो मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी जो मेरे पब्लिक है, हमारी सोसाइटी है, और जितने भी देखने वाले हैं वीडियो को, मैं उनको गुजारिश करती हूँ कि आप मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए और अपनी ब्लेसिंग दीजिए, और
ये जो क्लब है ये बहुत एक अच्छा काम सब पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। नॉट ओनली के ये सिर्फ कल्चरल इवनिंग ही करवाते हैं, ये नीडी जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये तत्पर रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो मैं यही चाहूंगी कि इस क्लब के साथ आप जुड़िए, अपना योगदान दीजिए, अपना हिस्सा डालिए, और अकेले तो शायद हम एफर्ट्स नहीं कर सकते, टीम के साथ हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं और जो गरीब है जो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। अब हम एक गीत रिलीज करवाने जा रहे हैं, एक गीत गाया था उस नाइट में, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, और ये गीत गाया था शानली जम्वाल ने, जिनको जे माही नाम से भी जाना जाता है सिंगिंग की लाइन में। तो शालिनी का स्वागत है बहुत बहुत, एक फूलों के हार के साथ सभी लोग स्वागत करें और तालियां बजती रहें। थैंक यू। लीजिए शालिनी, अब आप ये बटन दबाकर आप इसको रिलीज कीजिए। पॉज कर लो जब तक। अब शालिनी अपने फैंस के लिए कुछ कहेंगी? मेरे फैंस के लिए यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड क्या नाम बताया आपने, वॉइस ऑफ एशियंस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और आगे से आगे शेयर करो। एंड मैं इनका बहुत थैंकफुल करती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे मुझे गाने का मौका दिया, सो थैंक यू वेरी मच। अब एक सिल कर दो। तो इसी प्रोग्राम के दौरान एक गीत गाया गया, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां, और ये हसीन हमारे संदीप कौरपाल जी ने गीत गाया और कमाल कर दिया। अभी उस गीत को हम रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन पहले फूलों के हारों के साथ इनका स्वागत करें प्लीज। चलिए जी फटाफट। थैंक यू। आओ जी प्लीज आओ, जोरदार तालियां बजाते रहिए। आओ जी उधर से। तो अब संदीप जी बटन दबाकर गाने को रिलीज करेंगे वॉइस ऑफ एशियंस के चैनल पर। अब संदीप जी गोपाल साहब दर्शकों के लिए एक संदेश देंगे। एशियन ग्रुप में जब से मैं मिला हूँ सुखमिंदर जी से, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे न्यू जो सिंगर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा ये काम कर रहे हैं, और मैं दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ सुखमिंदर जी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब बारी है मेजर अमरजीत सिंह भाट जी की, तो अब उनको पहले हम हार डाल के सभी एक बार वेलकम करते हैं सर प्लीज। और मेजर साहब ने गाना गाया था सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आइए बटन दबाकर मेजर साहब अब। थैंक यू।
इस गाने को रिलीज कीजिए। लो जी, इनका गाना हुआ रिलीज और आप इनका गाना सुनते हैं। तो मेजर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और अब इनसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों को भी अपील करें ताकि सभी इस गीत को जरूर देखें। कुछ कहिए। मैं बहुत धन्यवाद है जी चैनल का, जिन्होंने सारे नु मौका दिता ते मान भी बख्शिया। ते मैं और भी चाहना कि और भी सिंगर जिहड़े गाना चाहुंदे या गाउंदे ने इस चैनल च आउण, ते तुहानू मौका मिलेगा अपने आप नु लॉन्च करन दा, रीडिस्कवर करन दा। ते बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए अमृतसर से ज्वाइन किए थे हमारे दोस्त संजीव मेहरा जी, और इनका गीत था दीवाने का नाम तो पूछो। तो ये गीत इनसे ही अब रिलीज करवाने जा रहे हैं, उससे पहले फूलों से इनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर, वेलकम प्लीज। अब एक बटन दबाकर ये गीत को रिलीज करेंगे। और अब संजीव जी दर्शकों के लिए कुछ कहिए। मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई सुखविंदर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे स्पेशली इस इवेंट के लिए बुलाया। और स्पेशली मैं तो कोई और गीत गा रहा था, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, शम्मी कपूर का ही गाना है, क्योंकि इनको पता कि बचपन से ही शम्मी कपूर मेरे फेवरेट स्टार रहे हैं और मैं मोस्टली उन्हीं के गीत गाता हूँ। तो मैं, और जैसे इन्होंने वॉइस ऑफ एशियन पे नए कला उभरते हुए कलाकारों को आगे लाने के लिए इनिशिएटिव लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि और इसको भगवान इनको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे और इन पे आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे, और ये नए सिंगर्स पे अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे। थैंक यू। और अब हमारे साथ है इंटरनेशनल फेम के सिंगर, जो भजन और गजल गायकी में और फिल्मी गायकी में, हर तरह की गायकी में पूरे विश्व में अपना खास मुकाम रखते हैं, सुरेश मेहंदी रत्ना सिंह। तो अब उनका गाना रिलीज करते हैं, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। सर बहुत बहुत मुबारक सर आपको, दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए यही कहूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, ये जो करोके वगैरह तो आप गा ही रहे हैं, बट संगीत की असली साधना जो है लाइट वोकल, लाइट क्लासिकल ज़रूर सीखिए, और उसको सीखने के बाद फिर गाइए, फिर गाने का मज़ा देखिए क्या आता है। थैंक यू। अभी तो आप लुत्फ लेते हैं करोके, जिस दिन आपकी अपनी गायकी का मज़ा आएगा तो आप कहेंगे वी आर बेटर देन करोके। थैंक यू वेरी मच। मैंने इस प्रोग्राम में गीत गाया था खोया खोया चांद, और मेरे बहुत आदरणीय पिताजी सरदार अमरजीत सिंह जी बटन दबाकर इस गाने को अभी रिलीज करने जा रहे हैं। प्लीज से रिक्वेस्ट है कि दो लफ्ज़ आशीर्वाद के कहें, दो लफ्ज़। तो दोस्तों आपने देखा कि आज एशियन क्लब इंटरनेशनल के सभी गायकों को वॉइस ऑफ एशियंस ने लॉन्च किया, और उनका एक एक गाना जो है वो वीडियो फॉर्म में हमारे चैनल पर लॉन्च हुआ।
तो आपसे अब ये रिक्वेस्ट है कि आपका काम अब शुरू होता है, आप अपने अपने चाहते गायकों के लिए जो है उनकी वीडियोस को हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस पर देखिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि 5 दिन के अंदर अंदर हम देखें कि किसकी वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर हुई है। जिसकी वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर हुई होगी आपके चहेते गायक की, उसको हम पहला इनाम देंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 2 कंसोलेशन इनाम भी होंगे। ये सभी इनामात उनको दिए जाएंगे हमारे प्रोग्राम पर जो 8 जनवरी 2019 को होने जा रहा है स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन हम्बड़ा रोड, वहाँ पर। तो जितने भी कलाकार हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे एशियन क्लब इंटरनेशनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग रिपोर्टर बनना चाहते हैं वो वॉइस ऑफ एशियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, उसको भी आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे और नए प्रोग्राम्स के साथ। नमस्कार।